टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही बेसन का ढोकला, तो आइए जल्दी से बनाते हैं। देखिए कितना जालीदार ढोकला बनके हो गया है रेडी। और ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम बेसन। बेसन ये एक कप बेसन है, एक कप बेसन है, तो इसके लिए हम लेंगे दही भी उतना ही लेंगे। और बेसन में हम डाल दे रहे नमक, नमक स्वाद अनुसार। और डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर, और इसे अब हम साइड में रखते हैं। और उसी कप में हम लेंगे दही, तो बेसन हमारा एक कप है, तो दही लेंगे हम आधा कप। मेजरमेंट सही रखने से ढोकला हमारा कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बिगड़ेंगे नहीं। और ये देखिए आधा कप दही हो गया, और आधा कप हम डालेंगे पानी। मतलब एक कप बेसन था, तो एक कप हम दही और पानी डाल के एक कप इसे भी हम कर लिए हैं। ये मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट है, इसी तरह से रखना है, तो ये जो ढोकला हमारा बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। और जो बेस दही और पानी है, इसका हम छाछ तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से फेंट लेंगे, और ये छाछ हमारा रेडी हो गया, तब इसे हम डालेंगे बेसन में। ये देखिए थोड़ा सा हम बचा के रखे दिखाने के लिए कि थोड़ा सा हम बचा लिए हैं, तो ये कम पड़ रहा है बेसन में हमारा इसीलिए। और देखिए थोड़ा बेसन सूखा लग रहा था, हम पूरा डाल देंगे। छाछ पूरा डाल के अच्छे से हम इसे फेंटेंगे, 5 मिनट तक इसे फेंटना है। और एक ही तरफ से हम इसे फेंटेंगे, और इसे 5 मिनट हो गया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है। अब इसे हम ढक के 1 घंटे के लिए रेस्ट होने रख देंगे। और हम इधर पतीला में पानी बैठा दे रहे हैं गर्म होने के लिए, और इसमें आप एक स्टैंड लगा दीजिए, कुछ भी स्टैंड लगा सकते हैं। और इसे हम ढक के गर्म होने देते हैं, और पानी जब गर्म हो जाए तभी हम इसमें, 1 घंटा हो गया है तो इसमें हम डालेंगे इनो का पाउडर। जब पानी उधर गर्म होने बैठा दीजिए तभी हम इनो का पाउडर डालेंगे, पहले से हमें इसमें नहीं डालना है। और अगर आप जल्दी में बना रहे हो 10 मिनट में बना रहे हैं अगर ढोकला, तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, सोडा डालने से होता है क्या, ढोकला हमारा लाल हो जाता है, लाल पड़ जाता है। और एक पतीला लेंगे या केक टिन लेंगे, उसे हम बटर या रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इसमें बैटर को हम डाल देंगे। इनो डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और इस बैटर को डाल देंगे ग्रीस किए हुए बाउल में या केक टिन जो भी है आपके पास। और देखिए गर्म पानी अच्छा से हो गया, तब इसमें हम डाल के इसे रख देंगे बैटर को पतीले के साथ, और ढक्कन को हम बंद कर देंगे। इसे स्टीम होने दे देंगे 1/2 घंटा तक। और देखिए 1/2 घंटा हो गया, देखिए ढोकला हमारा तैयार हो गया है। तो हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे इसी तरह रखेंगे, इसे निकालेंगे नहीं। और एक कढ़ाई लेंगे तड़के के लिए, और इसमें हम डाल दे रहे 1 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच राई, कड़ी पत्ता, और इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च कटे हुए, और 1 कप पानी। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, क्योंकि ढोकला जो होता है थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा होता है, तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, और नींबू का रस या विनेगर जो भी है आपके पास वो डाल सकते हैं। कोशिश करें कि नींबू का रस ही डालें, और इसे हम चीनी जितना घुल जाए उसके बाद गैस को फ्लेम हम बंद कर देंगे। और ये देखिए ढोकला हमारा ठंडा हो गया, तो इसे हम पानी से बाहर निकाल लिए, और इसे साइड से हम इस तरह से कट लगाएंगे हल्का। और ये देखिए कितना स्पंजी ढोकला हमारा हो गया है बन के रेडी। अब इसे हम पलट लेते हैं, और देखिए अच्छे से निकल गया है, बाउल में बिल्कुल नहीं चिपका है ये ढोकला, हाथों में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं, मतलब कि ढोकला हमारा बहुत ही अच्छा बना है। और ये देखिए चाकू लगाते हुए मालूम चल रहा होगा आप सभी को कि देखिए ढोकला कितना स्पंजी बना है। ये देखिए, ये देखिए कितना स्पंजी है, बिल्कुल जालीदार ढोकला बन के रेडी हो गया है। और पानी जो बना के रखे थे तड़के के लिए, तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, हल्का गर्म होना चाहिए पानी, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा ढोकला जो है वो सॉफ्ट रहे। और ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप सभी को। देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार ढोकला बनके हो गया है रेडी। और एक बार आप सब भी ज़रूर बनाएं इस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।